जवानी में उसी सह चेहरे को जो है शीशे में देखना कि मुझ में क्या बदलाव आ गया है। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। कि वो जवानी कहां गई मेरी, वो चेहरा कहां गया मेरा। आज इस चेहरे पर जो है झुरलियां पड़नी शुरू हो गई, कहां गया मेरा वो चेहरा। 50 साल की उम्र के बाद वो चेहरा भी बदल जाता है। 60 साल की उम्र के बाद तुम्हारे गोटे जवाब देने शुरू हो जाते हैं। जहां पर तुमने 10 रोटियां खाई वहां पर तुम्हारी 3 या 4 रोटियां रह गई। चलने फिरने की शक्ति तुम्हारी कम हो गई, चलने फिरने की शक्ति तुम्हारी कम हो गई। जब बुढ़ापा आया तो पिता ने कहा कि भाई अब मेरा समय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोल विष्णु भगवान की जय, बोल गरुड़ भगवान की जय। सो श्री विष्णु भगवान ने कहा कि हे गरुड़ जी, मेरे सब औचित्य परलोक संबंधी सब कथा कैसे सुनाई है। माता पिता के मरने पर गरुड़ प्राण जो सुनता है उसके माता पिता मोक्ष प्राप्त करते हैं। ये शास्त्र, ये कथा भगवान विष्णु ने अपने हाथ मुख से उचारी है। भगवान विष्णु ने अपने मुख से उचारी है और इस कथा को सुनने के लिए 10 दिन के लिए जो गई हुई प्रेत आत्मा होती है, क्योंकि मरने के 10 दिन तक इंसान एक प्रेत की योनि में रहता है। मरने के 10 दिन तक इंसान एक प्रेत की योनि में रहता है और प्रेत की योनि से वो तब छूटता है जब उसका पुत्र अपने पिता की हड्डियों को गंगा जी में बहाता है, उनके लिए पिंड दान करता है और उनकी अंत्येष्टि क्रियाक्रम करता है। तब जाकर वो मरा हुआ इंसान प्रेत की योनि से छूटकर अपने पितरों में शामिल होता है। 10 दिन के लिए उसे जो है ये कथा सुनने की अनुमति दी जाती है। धर्मराज कहता है कि जाओ भाई, ये कथा सुनकर आओ और इस कथा के सुनने से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। इसलिए जो पुत्र अपने माता पिता के मरने पर इस कथा को सुनते हैं तो मरने वाले की आत्मा को शांति मिलती है और उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। ये परलोक संबंधी कृत्य पितरों को मुक्ति देने वाला है। कहिए ओम भूर भावा स्व तस वितुर्वर नियम भर्गो दियो यो नाम प्रचोदयात। ओम भूर भावा तस वितुर्वर नियम भर्गो देवश धीमाई दियो यो नाम।
दया तो मूल भावा स्व है तस्वितुर भरे नियम भरगो धीमाई दियो ओम भूल भावा स्व है तस्वितुर भरे नियम ओम शांति ही ओम शांति ही ओम शांति ही ओम शांति यथा सम्मान पूजन जो शख्सियत मेरी मुराद श्री धर्मपाल जी पटवारी जेडे साडे तो अज तो 10-12 दिन पहला विछड़ गए सन उन्हां दी अंतम रस्म क्रिया दे विच पहुंचे समूह साध संगत जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। कारयोग पिता समान बहु धर्मपाल जी कालिया जी जिन्हां दी अंतम अरदास विच बैठी सुखमई समागम विच समुची संगत नूं वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मेरे तो पहलां सैकटरी साहब ने उन्हां दे जीवन बारे दस्या। अज तो 30 साल पहला जो मैं परिवार दे विच आया सारे अज बाबू धर्मपाल जी की अंतम अरदास अंतम रस्मा विच एकत्र होए हैं। मेरे तो पहला पंगू साहब ने उन्हां दी जीवनी बारे विस्थार दे नाल चानना पाया। 97 तो इस परिवार नाल मेरा भी विवाह वास्ता बड़ा हरेक इंसान ने जो इस संसार च आया ओने एक ना एक दिन इथो जरूर चले जाए मगर मैं ये समझदा कि जिंदन दा जान दा समा आउंदा है एक तरीके नाल उस दिन उस इंसान दा भी उहदे परिवार दा भी संसारिक तौर ते विचरदिआं लेखा जोखा जरूर तुहाडा धन्नवाद भी करदा कि सियाणे कहिंदे कि दुख वंडाया घटदा प्यार वंडाया खुशी वधदी है। तुसीं अज सारे परिवार दा दुख वंडाउण वास्ते आए हो हर कोने कोने तो आए हो थोड़ा दिल दिया गहराइया तो मैं बाऊ जी दे परिवार वालों धन्यवाद भी करता है जिया भी कहना ते समुची संगत दा फिर दिल दिया गहराइया तो धन्यवाद। बोल साचे दरबार की जय वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। इस वाहेगुरु अगे इस परिवार उत्ते हमेशा खुशियां खेड़े रहन पिता जी दी ਸਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਉੱਥੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਰਹੇ ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਏ ਸੰਤ ਸਾਹਿਬ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿੰਡੂ ਸਾਡੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਜੀਠਾ ਸਰ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਸਰਪੰਚ ਹਮਜਾ ਸਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਮਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮਜੀਠਾ ਔਰ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਸਰ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੋਖੀ ਅਜੀਤ ਵੱਲੋਂ ਸਰ ਪ੍ਰਿਥੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ ਜੱਗ ਪਾਣੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੇਕ ਨੇ ਸਰ ਰਵਿੰਦਰ ਕੁਪਾਈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਜੋ ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਾ ਛਕਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਜੂ ਛੱਕ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੁਣ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ ਸੌਰੀ ਬੈਠੋ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬਸ ਲਾਵੇ
ओम शांति ओम हरि ओम मा स्वस्ती ना इंद्रो बृहस्पतिर्वा स्वस्ति ना भूखा विश्ववेदाः चरुंग शांति पृथ्वी शांति राफा शांति रोकतः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वभूम शांति शांति देवा शामा शांति रेव सुशांतिर्भवतु। ओम विश्वान देव सब दुर दुर्तान पराशुभ यद भद्रन तन आशुभ इमारुद्राय कपूर दही शैदुराय प्रभु राम हे मति ये विश्वं पुष्टं ग्रामहि अस्विन्ननातुरं मा एतन्ते देव सभतुर्यज्ञं प्राहो बृहस्पतये तनोतु वरिष्ठं समिमं ददातु। ॐ संयमाद्यातामो एकवे प्रतिष्ठानां यज्ञो यजन्ते सर्वमेव प्रतिष्ठ भवन्तो। ॐ गणनां त्वा गणपति गुंग वामहे प्रियनां त्वा प्रियपति गुंग वामहे निधिनां त्वा निधिपति गुंग वामहे। वसो मम अहम जानी गर्भ धम्मा मतास गर्भ धम्मा। ओम नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यो नमो नमः भ्रातेभ्यो भ्रातृपतिभ्यो नमो नमः वीरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यो नमो नमः। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नो सर्वदा। ओम सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिने शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमो स्तुते नारायणी नमो स्तुते। ओम शांताकारं भुजंग शयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्ववाल धारं गगन सदृशं मेघवर्ण सुवाम्यहं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगविद्यार्गम्यं वंदे तुमेव बंधु च सखा
ਤੁਮੇਵ ਤੁਮੇਵ ਵਿਦਿਆ ਦਰਨੰ ਤੁਮੇਵ ਤੁਮੇਵ ਸ਼ਰਵੰ ਮਮ ਦੇਵ ਦੇਵ ਤੁਮੇਵ ਸ਼ਰਵੰ ਮਮ ਦੇਵ ਦੇਵ ਕਰਪੂਰਗੌਰਮ ਕਰੁਣਾਵਤਾਰਮ ਸੰਸਾਰ ਸਾਰੰ ਬੁਜਗੇਂਦ੍ਰਹਾਰੰ ਸਦਾ ਬਸੰਤਨੰ ਹਿਰਦਯਾਰਵਿੰਦੇ ਭਵੰ ਭਵਾਨੀ ਸ੍ਵੇਤੰ ਨਮਾਮਿ ਭਵੰ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗੋਬਿੰਦ ਹਰੇ ਮੁਰਾਰੀ ਹੇ ਨਾਥ ਨਾਰਾਇਣ ਵਾਸੁਦੇਵਾ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗੋਬਿੰਦ ਹਰੇ ਮੁਰਾਰੀ ਹੇ ਨਾਥ ਨਾਰਾਇਣ ਵਾਸੁਦੇਵਾ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗੋਬਿੰਦ ਹਰੇ ਮੁਰਾਰੀ ਹੇ ਨਾਥ ਨਾਰਾਇਣ ਵਾਸੁਦੇਵਾ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗੋਬਿੰਦ ਹਰੇ ਮੁਰਾਰੀ ਹੇ ਨਾਥ ਨਾਰਾਇਣ ਵਾਸੁਦੇਵਾ ਵਾਸੁਦੇਵਾ
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री देवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी शांति। सभी माताएं सभी भाईजन आप इस पवित्र स्थान पर बैठकर स्वर्गीय श्री धर्मपाल जी की आत्मा को शांति देने के लिए इकट्ठे हुए हैं। ताकि छत्र छाया में अपने बालकपन को भोगा। इस संसार में ही अपनी यौवन अवस्था को भोगा। इस संसार में ही अपनी जवानी को भोगा। अपने गृहस्थ का पालन किया, अपने बच्चों का पालन पोषण किया और धर्म कार्य करते हुए दान करते हुए परमात्मा का नाम लेते हुए बुढ़ापे के पलों को भी बुढ़ापे के वर्षों को भी अच्छा भोगा, सुख में भोगा। अपने हरे भरे परिवार में अपने पोतरे पोत्रों दोत्रों में भी इन्होंने एक बूटा लगाया